दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने किसी भी पोजीशन को इंट्राडे में खरीदा हुआ है, मतलब आपने यहां पे इंट्राडे में किसी भी शेयर को बाय किया हुआ है और उसको आप होल्ड करना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने पोजीशन को यहां पे होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना होगा, जिस ऑप्शन को भी आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है, मतलब जिस शेयर को भी आपने यहाँ पे बाय किया हुआ है उसको आपने सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे पोजिशन के ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी हम यहाँ पे शेयर बाय करते हैं सारे हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पोजीशन को बाय किया हुआ है सिर्फ आपको बताने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगर हम यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को होल्ड करते हैं, जैसे दोस्तों हम यहाँ पे किसी भी शेयर को बाय करते हैं इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे का मतलब होता है मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग, हम एक ही दिन के अंदर किसी भी शेयर को बाय करते हैं और किसी भी शेयर को सेल करते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन होता है और यहाँ पे 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो इसी टाइम फ्रेम में हमें किसी भी शेयर को बाय करना होता है इंट्राडे में। लेकिन अगर हमें यहाँ पे इंट्राडे में लॉस दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है कि आज हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे होल्ड करना है, तो इस शेयर को हमें यहाँ पे इसको होल्ड करना है क्योंकि आज इसमें हमें लॉस हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना होगा, क्योंकि इंट्राडे में तो आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन होल्ड कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पे अब होल्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें जो भी हमने यहाँ पे पोजीशन खरीदी हुई है, जो हमने शेयर यहाँ पे बाय किया हुआ है, तो हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस, यहाँ पे आप देख रहे कन्वर्ट टू डिलीवर, तो आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को मतलब इस शेयर को आपने कन्वर्ट करना होगा डिलीवरी में। तो जैसे आप इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर देंगे तो उस टाइम पे इसको आप होल्ड कर पाएंगे। डिलीवरी में आप किसी भी शेयर को कितने भी दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, जब आप चाहे तब उसको आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पोजीशन का ऑप्शन मिला हुआ है, पोजीशन डिटेल के ऑप्शन पे जाके आप पोजीशन को चेक कर सकते हैं। अब हमें इसको होल्ड करने के लिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट टू डिलीवरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे आपको ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे इंट्राडे पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे आपकी होल्डिंग कितनी होगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना होगा, आ जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले हुए, यहाँ पे आप देख रहे होल्डिंग्स का और यहाँ पे इंट्राडे पोजीशंस का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे आपको शेयर का ऑप्शन मिला हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन मिला हुआ है, इंट्राडे पोजीशन आपकी कितनी है वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगी और यहाँ पे इसका अमाउंट कितना होगा वो भी आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना होगा, जितने भी पोजिशन को आप मतलब जितनी क्वांटिटी को आप यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक क्वांटिटी को होल्ड करना है तो हम यहाँ पे कन्वर्ट टू डिलीवरी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट टू डिलीवरी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला पेज आ जाता है, कन्वर्सेशन सक्सेसफुली, ठीक है। हम डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जैसे हम यहाँ पे डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारी ये पोजीशन है वो होल्ड पे आ चुकी है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे इंट्राडे में हमारी पोजिशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कितना लॉस हो रहा है, इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो भी क्वांटिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, वो नो क्वांटिटी हमारी रह चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों तो आप इस तरह से अगर आप इंट्राडे में किसी भी शेयर को होल्ड करते हैं तो आपने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होता है डिलीवरी में, तो उसके बाद ये होल्डिंग हो जाता है आपका पोजीशन के ऑप्शन पे आके, ठीक है। तो इसके बाद आपका ये होल्डिंग के ऑप्शन पे आके होल्ड हो जाता है, तो जो भी आपका होल्डिंग रहेगा उसको आप जब चाहे आप तब बेच सकते हैं, जितने दिन के लिए चाहे उतने दिन के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से यहाँ पे आपने इंट्राडे में किसी भी शेयर को होल्ड करना होता है, कैसे आपने किसी भी शेयर को इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करना होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना, चैनल पे नई है तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे दोस्तों हमारे आने वाले इस तरह के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना, मिलते नहीं खड़ो में, तब तक लिए जय हिंद।